आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि क्या यह सर ये स्टॉक 70 के आसपास नियर अराउंड के प्राइस पे ट्रेड होगा या फिर इस स्टॉक में अपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक में जो इस समय हमने ब्रेकिंग न्यूज देखा वो 20,000 NCD का देखा, जिसका फेस वैल्यू 10 लाख का था और अराउंड कंपनी जो है 2,000 करोड़ का फंड रेज करेगी, जिसके लिए इस NCD को इशू किया है। उसके साथ ही हमने देखा कि इस कंपनी में जो टारगेट प्राइस आते हुए दिखा है ICICI डायरेक्ट से, वो टारगेट प्राइस आप देखेंगे कि 125 का देखने को मिला है। इससे पहले हमने नीदरलैंड के न्यूज को देखा था, जहां नीदरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कंपनी ने 65 मिलियन यूरो फंड का इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। इस समय इस स्टॉक का टेक्निकली पहले इस स्टॉक से पहले अगर मेटल सेक्टर को देखें तो ट्रेंड काफी बुलिश है मेटल सेक्टर में और कंटिन्यूअस 20 EMA के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रही है। लेकिन टाटा स्टील के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली जो व्यू है वो अभी बियरिश है। हालांकि डिलीवरी इस स्टॉक में मोर देन 50% तक की दिखी है, लेकिन जो ट्रेंड है 110 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। तब तक के लिए एक मेजर सपोर्ट 105 का है। लास्ट टाइम हमने देखा कि इसी सपोर्ट से अराउंड 2022 में स्टॉक ने 140 तक के लेवल्स को टच किए, 104 के लेवल को ब्रेक करता है तो इजीली आप चार्ट में देखेंगे 90 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। मुझे पर्सनली 70 का लेवल नहीं दिख रहा है और 110 के ऊपर सस्टेन करने पे इमीडिएट टारगेट जो शॉर्ट टर्म टारगेट विद इन 15 डेज में 120-150, उसके बाद 140-150 तक का टारगेट विद इन मैक्सिमम इस स्टॉक में देखे तो मैक्सिमम 1 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है।